हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों मेरा नाम अली यदर है। मेरा नाम अली। यार आज की वीडियो है पेरिस ओलंपिक्स 2024 के बारे में, क्योंकि हमारा जो अरशद नदीम भाई है उसने भाई गोल्ड मेडल जीत लिया है। बड़ी हमारे लिए भाई प्राउड की बात है और बहुत खुशी है। हमें सुबह ही न्यूज़ मिली थी भाई वो मेडल जीत गया है, वो भी इंडियन नीरज चोपड़ा से भाई। वो बड़ा ख़तरनाक आदमी है, उसका रिकॉर्ड कोई तोड़ ही नहीं पा रहा था भाई। बड़े बड़े लोग आए लेकिन वही हमेशा टॉप पे रहता था, और पहली बार हमारे पाकिस्तानी भाई ने भाई उसको हराया। बहुत हमें खुशी हुई। आज उसके बारे में वीडियो देखते हैं क्या हमें पता चलता है। बाकी तो हम वैसे ही खुश हैं कि हमारा भाई जीत गया है, तो देखें भाई। भारत ने 2024 का अपना बेस्ट थ्रो किया, लेकिन ऐसा लगा कि पाकिस्तान के अरशद नदीम आज आउट ऑफ सिलेबस आए थे। आज कुछ अलग मेहरबानी उन पर थी, और शायद यही वजह थी कि वो लड़का जो एक ज़माने में जेवलिन खरीदने के पैसे नहीं जुटा पा रहा था, ज़्यादा पुरानी बात नहीं, साल भर की बात है, अरशद नदीम को जेवलिन नहीं खरीदनी थी, 70-75 हज़ार रुपये की आती है, और उसके लिए वो दर दर की ठोकरें खा रहे थे। ये बात है भाई, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है। 100 साल की ओलंपिक हिस्ट्री में जेवलिन थ्रो में सबसे दूर जेवलिन थ्रो करता है, और इसीलिए आज सारी दुनिया कह रही कि नीरज चोपड़ा में कोई कमी नहीं थी, नीरज अपना बेस्ट थे, बस अरशद नदीम आउट ऑफ सिलेबस। नीरज भाई ने भी अच्छी कोशिश की, नीरज चोपड़ा की कंसिस्टेंसी लास्ट टाइम वो गोल्ड जीत कर आए थे, इस बार सिल्वर जीत कर आए, शेयर लग रहा है ना फोटो में, जिसने दो मेडल जीते। बट अरशद नदीम पाकिस्तान के इतिहास के वो पहले खिलाड़ी जो इंडिविजुअल गेम्स में गोल्ड जीत कर आए, आई मीन दैट्स बिग क्रेडिट। सालों साल हो गए, दशकों से बीत गया, पाकिस्तान को एक मेडल नहीं मिला ओलंपिक, और मिला तो कौन सा, सीधे गोल्ड मेडल मिला तो ऐसा ही मतलब हमारी बात है ना, पहुंच काट रहे कि पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम के स्ट्राइक रेट से ज्यादा अरशद नदीम का भाला जाता है। अभी से ज्यादा क्या कहा जाए, अरशद नदीम आज कुछ अलग दुनिया में थे। 89.45 स्ट्राइक रेट नहीं है जितना इसने थ्रो किया है। सेकंड बेस्ट जो था वो भी नीरज चोपड़ा से 2 मीटर ज्यादा था, पहला वाला 3 मीटर जा रहा था, और ये बताता है कि वो कितने गजब आज मूड में थे। 100 साल के इतिहास में ओलंपिक के किसी भी खिलाड़ी ने अरशद नदीम से ज्यादा लंबा थ्रो नहीं फेंका, न सिर्फ उन्होंने आज गोल्ड जीता बल्कि एक रिकॉर्ड ही बनाया, और ठीक ठाक मार्जिन से बनाया। इसीलिए आप इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, किसी भी देश से, आज आप अरशद नदीम के लिए तालियां बजाएंगे। अरशद नदीम के बारे में आप कह सकते हैं कि वो खिलाड़ी है जो अच्छा है, और अच्छे लोगों से अच्छा होता है, जिस तरह से नीरज चोपड़ा और उनकी दोस्ती निकल कर आती थी बीते सालों में, कई बार वो आकर्षण का केंद्र रही, कई बार हिंदुस्तानियों ने भी कहा कि गोल्ड हमारा लड़का जीते, सिल्वर आपका जीत जाए। आमतौर पर पाकिस्तान को इंडिया में समर्थन नहीं मिलता, ना पाकिस्तान में इंडिया को मिलता है, लेकिन अरशद और नदीम की दोस्ती ऐसी है कि दोनों जगह एक दूसरे को समर्थन मिल जाता है, और वो पाकिस्तान जिसने बीते 32 सालों में कोई मेडल नहीं जीता था, वो आज सीधे गोल्ड मेडल जीत रहा है। अरशद नदीम ने 92.97 मीटर का एक रिकॉर्ड बना दिया, आई मीन पाकिस्तान के ओलंपिक हिस्ट्री का ये सबसे बड़ा मूवमेंट है, बार बार मैं कह रहा हूं। लेकिन ये वही खिलाड़ी है जिसको जेवलिन खरीदने के पैसे नहीं दिया, मतलब क्या ही कहा जाए, इस हिसाब से जिस हिसाब से तैयारियां थी उस हिसाब से आज आप अरशद नदीम की जितनी तारीफ करें उतना करें, जितनी तारीफ करें। अरशद नदीम हैज वोन द फर्स्ट एवर इंडिविजुअल गोल्ड इन ओलंपिक्स ऑफ पाकिस्तान। अरशद नदीम आज पाकिस्तान के सबसे बड़े एथलीट बने, सबसे बड़े एथलीट, मतलब वो लड़का जो मियां चानू की गलियों में घूमता था, संघर्ष करता था, जिसका बाप गरीब था, वो आज पाकिस्तान के लिए ओलंपिक से पहला गोल्ड मेडल ला रहा है, ये बताने के लिए काफी कि कितना बड़ा प्लेयर। इसी साल जनवरी में अरशद नदीम के पास पैसा नहीं था नई जेवलिन खरीदने का, इधर उधर वो बार बार भाग रहे थे, बाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास गए, शहबाज शरीफ के पास गए, जैसे तैसे उन्हें स्पॉन्सरशिप मिली, और उसके बाद लौटे, और आज पूरा इंडिया, पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया उनके लिए प्राउड है। हालांकि प्राउड एज ए नेशन कंट्री हम सब भी हैं, क्योंकि हमारा लड़का और पड़ोस वाला लड़का दोनों टॉप कर आया है, तो आज गर्व का विषय है। अरशद नदीम ने 92.97 मीटर फेंका, 91.79 फेंका, हमारे लड़के ने 89.45 फेंका, और मेडल आ गया। लेकिन यह सच है कि अरशद ने आज डोमिनेट किया फाइनल, एक तरफा डोमिनेशन जो है वो दिखाया, और ऐसी राइवलरी जो क्रिकेट की राइवलरी से ज्यादा बड़ी होने वाली है। अरशद ने पहली बार जब 90 फेंका था तब लोगों को लगा था कि शायद हो तुक्का, इस बार भी 92.97 गया, लोगों को लगा तुक्का, लेकिन जब तीसरी बार फेंका
तब अपने लेजेंड होने की कहानी सुनाती। अरशद एक गरीब परिवार से आते हैं, लोगों ने मजाक की उड़ाया इनका जब ये गेम चुना था इन्होंने, बहुत मजाक उड़ाया। अपने घर पर ही लकड़ी की जेवलिन से ये प्रैक्टिस करते थे, पैसा था नहीं, अफोर्ड कर सकते नहीं थे, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कोई सपोर्ट नहीं किया था, कोच वोच के पास पास चक्कर काटते रहे। बाद में नीरज चोपड़ा से दोस्ती हुई, एक सिंपल साधारण लड़का है, लेकिन अब दुनिया के बड़े एथलीट्स में इनका नाम शामिल हो गया एंड इसी वजह से आज सारी दुनिया, चाहे इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, इनकी भी तारीफ कर रही है। नीरज चोपड़ा ने भी जाके इनको एक हक किया और ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी कि दोनों की बॉन्ड कैसी है। लेकिन अरशद अदीम आज एक गोल्डन ग्लोबल स्टार बन गए और वो ट्रूली डिजर्व करते हैं ओलंपिक चैंपियन होना। पाकिस्तान से पहले खिलाड़ी जो ओलंपिक में चैंपियन है, 92.97 इज सम क्रेजी यार, आई मीन क्रेजी, बट ठीक है, आई मीन क्या अब आने वाले 100 साल में इसका रिकॉर्ड नहीं टूटेगा भाई। सिल्वर मेडल मिला बट पाकिस्तान को गोल्ड मेडल मिला, पाकिस्तान का आज दिन है। सो हमारी तरफ से सरहद पार रहने वालों को बधाई, नीरज चोपड़ा आप हमारे गुरूर हैं, उम्मीद करते हैं कि अगली बार आप जलवा जला करें। लेकिन आज का दिन पाकिस्तान के अरशद अदीम के भी नाम, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता और 6 में से 2 बार भाला 90 से ज्यादा फेंका, 3 नंबर पर ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स से 85.454। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिसके पास भाला खरीदने का पैसा नहीं था वो पाकिस्तान के हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्लेयर बन गया, वो ओलंपिक के 100 साल की हिस्ट्री में जेवलिन थ्रो में नंबर 1 बन गया। सो दैट्स अ मूवमेंट, दैट्स अ मूवमेंट एंड दैट्स व्हाई अरशद अदीम इज अ ग्लोबल स्टार जो आउट ऑफ सिलेबस निकला है। हाँ भाई, आज पहली बार पाकिस्तानी होने पे हमें भी फख्र हो रहा है कि भाई हमारा भाई जीत गया, वरना तो हमेशा हम भी अपने ही मुल्क पे तनकीद करते थे, क्या है भाई कब हमारे मुल्क का नाम रोशन करोगे। और इस भाई ने जिसने हमारे को गोल्ड मेडल जितवाया है उसको भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे ना, ऐसी बात है ना। अभी जब ये गोल्ड मेडल जीता है तो ट्विटर पे वो एक शेर वहाँ पर सेवाश्री पोस्ट करता है और साथ में चेक भी वाला फोटो लगाता है कि मैंने चेक दिया था इसको, इतना वो भी देख रहा है। तुम मुबारक दे रहे हो तो अच्छे से मुबारक दो ना, चेक दिखाने की क्या बात है, मुबारक देना है तो अपना चेक दिखा रहे हो, मैंने चेक दिया है वो भी 10 लाख, पाकिस्तानी 10 लाख की क्या अहमियत है भाई, उससे उसका क्या होगा। चेक हाँ, क्रेडिट ले रहा है, हर कोई अभी क्रेडिट ले रहा है कि भाई हमने इसको सपोर्ट किया, अहमद शहजाद है वो भी दिखा रहा है चेक, अब हर किसी को वो चेक याद आ गया है। वो भाई बेचारा उसके पास जेवलियन के पैसे नहीं थे, थ्रो करने वाला भाला उसके पैसे उसके पास नहीं थे, हर किसी के पास गया, मीडिया में इंटरव्यू दे रहा था, एक बार तो वकार दक्का ने उसको 2 लाख दिए थे, वो भी ट्रेडिंग वाले पैसे में, उसने बेचारे ने बड़ी कोशिश की कि मुझे कोई सपोर्ट मिल जाए, स्पॉन्सर कोई नहीं मिल रहा था। और हमारी कौम ही ऐसी है ना, उनको ये गेम का ही पता नहीं है, ये तो इस भाई के बाद हमें पता चला कि हमारा पाकिस्तानी भी वहाँ पर खेल रहा है, वरना हम भी क्रिकेट में ही घुसे होते हैं भाई, क्रिकेट देखेंगे, जब भी मैच होता था हम अपने क्रिकेट में ही होते थे, और बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, इनको ही हम याद करते थे जिन्होंने हमें कुछ दिया ही नहीं, और जो हमें भाई वर्ल्ड लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहा है उसको हम जानते थे कि नहीं। ये आज हमें ऐसा जब उसने मेडल जीता है तो थोड़ा बहुत हमें पता चला है कि भाई एक पाकिस्तानी भाई भी है जिसने इतनी मेहनत की है, तो बड़ी खुशी हुई यार, प्राउड है हम और हमें बहुत फख्र हो रहा है, और इस भाई के लिए हम बहुत खुश है यार, इसने हमारे मुल्क का नाम रोशन किया पहली बार, हमें ना सच बोले ना दिल से खुशी हो रही यार। और इंडिया वाले हमारी तारीफ़ कर रहे हैं ना, ये भी एक बड़ी बात है कि इंडिया से हमें तारीफ़ मिल रही है, वरना हम हमेशा उनकी तारीफ़ करते हैं, पर इंडिया वाले हमारी तारीफ़ कर रहे हैं ना, हमें बहुत खुशी हो रही, मज़ा आ गया यार, प्राउड ऑफ़ यू अरशद अदीम। सही बात, दिल से आज फीलिंग्स आ रही हैं भाई साहब, प्राउड कर रहे हैं हमारे अरशद भाई पर यार, ये हमारा शहजादा है भाई, इसको हम अपने सर पर बिठाएंगे, क्या हीरो है यार, आज हमारी आँखें आंसुओं से भर गई भाई, इस बंदे ने दिल जीत लिया, पूरी दुनिया में हमें प्रेजेंट किया है भाई, इसने पाकिस्तान का झंडा लहराया ना, क्या फीलिंग्स थी यार, इसने बंदे ने दिल खुश कर दिया। और ये हमारे बाबर और शाहीन, हम इनके पीछे लग गए हुए, बस इंडिया से जीतो, लड़ो, भरो, है कुछ हमें दिया ही नहीं है भाई, हर बार इन्होंने मुंह की हमें, कौन खेल रहा है, 10-12 कंट्री, 10-12 कंट्री, ये दुनिया की हाई लेवल कंट्रीज भाई इधर लगे हुए हैं, तो भाई ये लेवल है इस गेम का, इस बंदे को सपोर्ट किसने भी नहीं किया भाई, अभी चेक दिखा रहे हैं, हमने दिया, ये काय का चेक दिखा रहे हो क्रेडिट, ये बंदा अपनी घर में लकड़ियों से खेलता है यार, हमें भी नहीं पता था इसके बारे में ज़्यादातर, हम बस इन 2 कौड़ियों के पीछे पड़े हुए थे भाई, ये हमारे हीरो थे, काय के हीरो थे, ये हमारा नंबर 1 फेंकता था, बड़ी बड़ी ईंटें, ताकत है, अभी देखो ना क्या हमारा एकदम शेर बना हुआ है यार, इसका मैं फैन हो गया हूँ, ये हमारा हीरो है, ये हमारा शहजादा है भाई,
कोई भी अभी इसके आगे नहीं है, ये गरीब बंदा, इसका हमें बड़ा एहसास हो रहा है अभी यार। इसको पहले सपोर्ट करते तो ये 10-12 लेकर आ जाता भाई, सपोर्ट नहीं करते। अभी चेक दिखा रहे, बस ये मेरे ने दिया, मैंने दिया। कहेगा भाई वो, अब जब वो बताएगा ना जिसने दिया है उसकी हेल्प किया, हम उसको मानेंगे। बाकी ऐसे नहीं, बस हमारा प्राइम मिनिस्टर चेक दिया तो भाई चलो सीधी रस्ती गली पकड़ो, निकलो यहाँ से। चेक दिखा रहा है, जाओ। हमारा हीरो है भाई, अपनी बलबूते पर भाई मेहनत की है। हमारा आज इंडिया भी तारीफ कर रहा है भाई, पड़ोसी हमारा पहली बार नाम रोशन किया है भाई, गोल्ड हमें दिया है, सिल्वर हमें दिया। हाँ यार, बड़ी खुशी हुई यार, आज मेरा दिल खुश हो गया। इसके पास पैसे भी नहीं है वो भाला फेंकने के, वो भाला के लिए भाई, ये भी आज बस यार, आज हमारा रिकॉर्ड तो नंबर वन भाई साहब, तगड़ा रिकॉर्ड बना दिया। जीता अभी ऐसे ना भाई, दुनिया अभी मानेगी। अंग्रेज हैरान हो गए भाई, पाकिस्तान में भी मामू कोई झटका लग गया है, सुन हो गया मामू हमारा शौक हो गया है भाई। क्या गेम था, इसको भी पता ही नहीं है, ये भी क्रिकेट के पीछे लगा हुआ है भाई। नदीम, ये अगर मेरे सामने आ जाए ना, इसको मैं अपने कंधों पर बिठाऊं। क्या शेर बंदा है भाई, दिल से लड़ाया आज अपने मुल्क के लिए भाई। परचम जब हमारा लहरा रहा था ना, सजदा दे रहा था जमीन पर, आह इस बंदे ने भी भाई आज क्या तारीफ की, हमारा दिल खुश हो गया यार, मजा आ गया। हाँ भाई, आज तो मजा आ गया भाई साहब की वीडियो है ना, आज तो कमाल हो गया। जो हिंदुस्तानी तारीफ कर रहे हैं ना अरशद नदीम की, भाई आज हमें भी फख्र है भाई उस अरशद नदीम के, जो इतना स्ट्रगल के बाद भाई उसने इतना बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है, वो भी 100 साल में भी कोई नहीं तोड़ सकेगा। वो भी भाला है ना फेंकने वाला, भी बड़ा बात है भाई। शोएब अख्तर का कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ते ना, आज तो ये वाला भी रिकॉर्ड है ना, नहीं तोड़ेगा फास्ट बॉल। ये भी देखो ना, ये वाला भी रिकॉर्ड है ना, ये भी फास्ट रेड है भाई। दुनिया के इधर भी 100 खिलाड़ी है भाई, वो भी फेंकने वाले थे, वो भी मुस्टंडे थे भाई, एक से एक थे। बाकी आज तो यार इंडिया और जो पाकिस्तानी है ना, दोनों की दोस्ती थी, उन लोगों ने भी बड़े अच्छा निभाया साथ। आज एशिया की है ना विन होगी भाई दोनों की, भाई पाकिस्तान को गोल्ड मेडल मिला वो भी सोने वाला तमगे वाला। हाँ। और इंडिया वाला भी भाई साहब बड़ा अच्छा खेला। बस जिसके हाथ में लक भाई वो जीत गया। आज तो वो ही जीता भाई बाजी, जिसके पास कुछ भी नहीं था, बाजीगर उसको ही कहते हैं भाई। गरीब था कितना, वो भी बोल रहे थे लकड़ियों के साथ, ईंटों के साथ, क्या मसल बने हुए थे भाई, ऐसा लग रहा था रेसलर लग रहा है, एकदम बीस्ट लग रहा था भाई। कमाल हो गया, आज तो मजा आ गया भाई। जो भी तंकीद कहते हैं ना हमारे क्रिकेटर को, बाबर आजम भी स्ट्रगल करके आया, वो भी दुनिया का नंबर वन बल्लेबाज है। चल बस इतने बार कप्तानी मिली है, वो जीतेंगे, जीतेंगे आज जो मजा भी ब्याले में से ऊपर नहीं है, बीमार है चलो सही है, टुक नहीं सही है, आज करो ये लीडर है हमारा, ये वाला है ना नंबर वन है, तो आज तो मैं इसको भी भाई सपोर्ट तारीफ करो हमारे बंदे की भाई, तारीफ तो है ना भाई इसको। हमारे जो लड़ाई हो रही है अंदर भाई, हम जो उसने सजदा किया ना भाई, बाबर तो है ना हमारा, तो हीरो है बाबर। हाँ। भाई मजा आ गया देखकर, आज एशिया की विन हो गई भाई, गोल्ड मेडल हाई लेवल का भाई। बाबर जब इंडिया के खिलाफ सेंचुरी करेगा ना फिर मानेंगे। हाँ कब करेगा वो देखेंगे। फिलहाल शहबाज शरीफ ने बोला आज भाई चेक दे रहा है भाई, उसको मुबारकबाद हो ना, चंदा दे रहे हो क्या, वो इतना बड़ा हीरो है, विन कर कर आया है। और दूसरा वो अहमद शहजाद, वो भी चूरन भेज रहा है, डक पर आउट होता रहता है, वो भी चेक भेज रहा है भाई। हीरोज को विन करने के लिए मुबारक दो भाई आप, गुड लक भाई, आप इतना अच्छे काम करे। चेक किया, चेक तो हम मौलाना को भी देते हैं चंदे वाला, ये भी कमाल है। अपने हीरो की रिस्पेक्ट करो भाई, इतने 32 साल के बाद कोई ये गोल्ड मेडल लेकर आए, तो ये सबसे बड़ी हमारे फख्र की बात है। मजा आ गया देखकर, गजब हो गया भाई, मैं तो हैरत में हो गया था। मैं ये अली भाई वकार भाई ये हंस रहे थे, खुशी में चिल्ला रहे थे, लेकिन मैं जो है ना कंफ्यूज हो गया, क्योंकि पहली बार मैंने जो है ना ये बात सुनी कि एक पाकिस्तानी नौजवान हीरो जो है उसी ने जो है गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक में, तो ये बड़ी बात है हमारे लिए, बड़ी एजाज की बात है। पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में इसने रोशन कर दिया है। मेरे पास अल्फाज वो नहीं है कि मैं उसका कैसे जो है उनका जो शुक्रिया हम करें। और दूसरी बात ये कि उन्होंने इतनी बड़ी मेहनत और जिद्दोजहद की, एक बार दो बार उन्होंने जो क्या बोल रहे थे कि वो फेंका कि, तो वो जो है उन्होंने फिर भी जो है ना अपनी तरफ से हार ना मानी,
वो अपने ही बलबूते पे डट के रहा। यार हमें सोचना चाहिए, हमें अफसोस भी है इस बात का, जब एक इंडियन भाई बता रहा है हमें, यार हम इतना वक्त कहाँ थे, क्या हम कोमा में थे क्या, कि हमारा एक पाकिस्तानी हीरो जो है उसकी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट गवर्नमेंट की किस चीज़ की कमी है भाई, एक बंदे का बोझ क्या 22-24 करोड़ आवाम नहीं उठा सकता है क्या, वैसे भी क्या कितना बोझ है 22-24 करोड़ आवाम के कंधों पे, IMF का, दूसरे इदारों का। अब अगर एक आदमी का बोझ बढ़ता तो क्या हमारे कंधे टूट जाते क्या, या हमारी सरकार हिल जाती क्या, ये सोचने की बात है ना, अफसोस की बात है। एक शख्स जो है इतनी जिद्दोजहद कर रहा है, गोल्ड मेडल किसको मिला, अरशद नदीम को मिला ना, वो कौन था, वो भी तो पाकिस्तानी था ना, गोल्ड मेडल भाई किसको मिला, पाकिस्तान का बंदा था, नाम तो पाकिस्तान का रोशन हुआ ना। तो ये हमें सोचना चाहिए और हमारे पाकिस्तानी भाइयों को भी सोचना चाहिए, और गवर्नमेंट पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी ये सोचना चाहिए कि हम किस निकमों पे खर्च कर रहे हैं इतने करोड़ों अरबों रुपए, ऐसे नौजवान जो है करोड़ों में एक है जो मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, उन पे किसी की तवज्जो ही नहीं है यार, ये तो अफसोस की बात नहीं है। और क्या है, दूसरे मुल्क वो भी हमारा भारत मुल्क है, हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहां से एक शख्स या लाखों लोग तारीफ कर रहे हैं, भाई मुसलमान बंदा है, पाकिस्तानी है, उसी ने जो है 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, 100 साल, 32 साल पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में कोई मेडल नहीं जीता है, कोई मेडल नहीं जीता है, इसका मतलब यह कि हमारे लिए ये शर्मनाक बात है, 32 सालों में हमने कुछ नहीं किया, कोई मेडल हमें नहीं मिला। लेकिन इस नौजवान ने अरशद नदीम ने यार जो है ना हमारी आंखें खोल दी, जो है ना दिल फकर से जो है ना बहुत खुश है, और ऐसे नौजवानों ने ना हमारा नाम और भी रोशन कर दिया मुल्क का, हम सब पाकिस्तानी भाई खुश है और हम मुबारकबाद पेश करते हैं। और दूसरी बात, हमें यह भी खुशी है कि हमारे एशिया में दोनों जो है मेडल्स आए हैं, सिल्वर मेडल भारत के नौजवान ने जीत लिया, गोल्ड मेडल हमारे पाकिस्तानी ने जीत लिया, हमें दोनों तरफ से खुशी है। बिल्कुल भाई, बहुत खुशी है हमें भाई, कभी सोचा ही नहीं था कि पाकिस्तान के पास भी मेडल आएगा यार, हमने तो बस ये क्रिकेट में ही पूरा ध्यान लगा दिया भाई, क्रिकेट क्रिकेट, एशिया कप है, वर्ल्ड कप है भाई, T20 वर्ल्ड कप है, उसके बाद सारा पैसा इन्होंने PSL में लगा दिया भाई, उसमें भी प्राइवेट लीग, हम फिर PSL में लग गए, PSL है, IPL, PSL, उनके साथ कंपेरिजन करते थे, आज हमें पता चला रियलिटी क्या है भाई, असल मुकाबले तो बाहर हो रहे हैं, ये कॉमनवेल्थ, ये भाई ओलंपिक्स, ये भाई हाँ, ये भाई असल मुकाबले तो ये हो रहे हैं, हम किस दुनिया में थे। आज अरशद भाई ने बता दिया भाई, और ये नौजवानों में इन्वेस्ट करो ताकि और पाकिस्तान के पास मेडल आए, इंडिया के पास तो वैसे ही मेडल बहुत ज्यादा है, वो भाई गोल्ड मेडल में उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया, वो दंगल मूवी नहीं देखी थी उन्होंने, एक रियलिटी में बनाई थी ना कि किस तरह वो जीते थे, तो वो हर किसी मतलब गेम में वो आगे हमसे, इस बार बेचारा वो सिल्वर लेकर आए, लेकिन फिर भी वो प्राउड है उनको भी कि हम जीत गए, तो बहुत खुशी आज जीतकर यार हमें, अरशद भाई के लिए हम बहुत खुश है, अब वो आएगा पाकिस्तान में तो ऐसा वेलकम करेंगे ना हम पाकिस्तानी वाम उनका, कि भाई दुनिया देखेगी, मजा आएगा दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।